बराबर मेहनत लगती, कंटिन्यू बराबर मेहनत लगती। और इतनी देर आप पर कोई अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हुआ, मैं आपका कौन कथा, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। मैंने उससे पूछा कि भैया जो कथा सुनाई अच्छी थी कि नहीं, उसने बोला बिटिया कौन कथा। हमने कहा जो कथा हमने सुनाई वो कथा, और कौन कथा। गुस्सा तो इतना आया कि उठाए अधुआ खपड़ी में दही मार रहे, पर का करें कंट्रोल किया। और मैंने पूछा जो कथा मैंने सुनाई वो कथा, और कौन कथा। तो कहता है बिटिया तुमने कौन कथा सुनाई। अब तो इतनी गुस्सा आई कुछ कहने को नहीं। मैंने कहा ये बताओ तुमने कथा नहीं सुनी तो ये आगे बैठ के खपड़ी का हिलाया करते थे, वो ऐसे ऐसा करके कथा सुनता था। मैंने कहा आगे बैठ के अपना सर क्यों हिला था। कहा अच्छा वो। मैंने कहा हाँ वही बताओ, वही बताओ। अगर कथा नहीं सुनी तो खपड़ी का हिलाते थे। तो कहा बिटिया हम तो खपड़ी हिला के तुम्हें कुछ बता रहे थे। हमने कहा हमें बता रहे थे, हमें। कह रहा हाँ आपको बता रहे। हमने कहा बता रहे थे। कह रहा बिटिया हम तो खपड़ी हिला करके बता रहे थे कि जौन कथा तुम सुना रही हो वो कथा ना हमारे पिताजी ने सुनी है ना हम सुन बे, ना हमारे पिताजी ने सुनी हो ना हम, ये तो हम खपड़ी हिला के बता रहे थे। ऐसे भी तब से कान पकड़ ली है मैंने कि अब आज के बाद नहीं पूछूंगी किसी से, बने अच्छी चाहे न बने। भगवान शंकर ऐसे ही इसी प्रकार से शंकर जी को राम जी ने कथा सुना, जैसे सुनाई भगवान शंकर लगे रोने। राम जी को लगा कितनी बढ़िया कथा लग रही है, बढ़िया मगन होकर के कथा सुनाई। कथा समाप्त हुई, भगवान राम ने जयकारा बोला। जैसे ही जयकारा बोल के शंकर जी से पूछा बाबा कहो कथा कैसी रही, कैसी रही। तो भगवान शंकर ने राम जी को नीचे से ऊपर तक देखा और राम जी से पूछा प्रभु कौन कथा। जैसे ही पूछा कौन कथा राम जी को, अब बताओ हमें गुस्सा आ गया तो राम जी को नहीं आएगा का। राम जी ने कहा जो कथा हमने सुनाई वो कथा, और कौन कथा। शंकर जी ने कहा महाराज आपने कौन कथा सुनाई। शंकर जी से राम जी ने कहा क्यों ये तू कथा नहीं सुन रहा था, कथा कथा में तुम्हारा ध्यान नहीं था। नहीं तो वह कहा फिर रो कह रहे थे, आंखों से आंसू कहे आ रहे थे, ये बताओ कथा में ध्यान नहीं था तो ध्यान कहाँ था, कहां पर ध्यान था। राम जी ने पूछा तो शंकर जी कहते हैं महाराज मेरा ध्यान कथा पर नहीं, मेरा ध्यान तो कथा वाचक पर था। कथा सुना कौन रहा, कहे कौन सुना रहा, कहे आप। मेरा ध्यान कथा में नहीं कथा वाचक में था। तो कहे मुझ पर ध्यान था तो रो क्यों रहा था, आंखों में आंसू क्यों थे। शंकर जी ने कहा प्रभु मैं तो ये सोच सोच के रो रहा था कि मेरा परमात्मा कितना दयालु है, कितना कृपालु है। अरे जिस पार्वती ने पिछले जन्म में सती होकर के जिस भगवान की कथा नहीं सुनी, उसी पार्वती की कथा मेरा भगवान मुझे सुना रहा। मेरा भगवान कितना दयालु है, मैं तो ये सोच सोच के रो रहा। भगवान राम ने कहा इसका मतलब तूने कथा नहीं सुनी। कहा नहीं सुनी तो कहा कथा नहीं सुनी तो एक बात सुन, मेरी मेहनत तो बर्बाद गई, क्यों कथा सुनी होती तो कुछ असर पड़ता कि यहाँ विवाह कर लूं। और जब कथा नहीं सुनी तो एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या कहे अब विनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज नेह तो जाय बियाहु सैल जही यह मोहि मांगे। ये मुझे मांगने से दो कि जाकर के मैया पार्वती के साथ विवाह करूं। भगवान शंकर ने कहा प्रभु ये उचित नहीं है। कहे कैसे अनुचित है, अब आप एक बात बताओ। अगर किसी कन्या, हमारी लौकिक रीति कहती है अगर किसी का विवाह किसी से करना है तो कन्या पक्ष वर पक्ष के पास जाता है, हाँ कि ना। बिटिया वाले पहले लड़का देखने जाते हैं ना, फिर देख के आते हैं तब जा करके लड़का वाले पक्का करने आते हैं ना। लेकिन अगर पहले लड़का पहुंच जाए, बालक जाए और जा करके बिटिया के घर वालों से कहे कि हमें तुम्हारी बिटिया से ब्याह करना है, तो बताओ आरती उतरेगी कि डंडा बजेंगे, डंडा बजेंगे ना। भगवान शंकर ने कहा महाराज ये कहाँ से उचित है। अरे लौकिक रीति कहती है कि हिमवान को मेरे पास आना चाहिए, आप कह रहे हैं मैं जाऊं, जाय बियाह मैं जा करके विवाह करूं। तो भगवान राम ने कहा कि उचित तो नहीं है, तब भी तो अगर उचित होता तो मुझे मांगना नहीं पड़ता, पर मैं जानता हूँ कि ये लौकिक जगत के अनुरूप नहीं है, इसलिए मैं तुझसे झोली फैला के मांग रहा हूँ कि ये मुझे दे।
तब भगवान शंकर ने कहा कि ये उचित तो नहीं है, पर नाथ बचन तब मेट न जाए। वचनों को मिटा नहीं सकता, आपने जो कहा है वो मैं अवश्य करूंगा। इतना कह करके भगवान राम ने कहा कि मैंने जो कहा वो हृदय में रखना। तो भगवान ने कहा ना, हृदय में नहीं रखूंगा। कहे कहाँ रखोगे? कहे आज्ञा सिर पर अनाथ तुम्हारी। राम जी ने कहा ना ना ना, सर पे मत रखना। क्यों? कहे गंगा है, बह जाएगी। और आज्ञा अगर बह गई तो फिर तुम फिर समाधि लगा के बैठ जाओ। तो कहाँ रखना? कहे मैंने जो कहा वो हृदय में रखना। पर शंकर जी ने गड़बड़ी कर दी, आज्ञा को नहीं रखा, हृदय में क्या रखा? कहे शंकर सोई मूर्ति उर राखी। शंकर सोई मूर्ति उर राखी, अंतर ध्यान भय अस भाखी। अंतर ध्यान भय अस भाखी, शंकर सोई मूर्ति उर भगवान शंकर ने उस मूर्ति को हृदय में रखा। और जैसे ही रखा, बड़ा आनंद आया। सप्तऋषि आए, भगवान शंकर को समझाया। सप्तऋषियों से भगवान ने कहा जाओ जाकर के प्रेम परीक्षा लो। अब प्रेम परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि गए, जाकर के देखा मैया पार्वती कैसी लग रही है। ऐसा लग रहा है उपमा कितनी अद्भुत दी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कितनी सुंदर, कैसी लग रही है, स्त्री है। कहे स्त्री नहीं लग रही, पार्वती लग रही होंगी। कहे पार्वती भी नहीं लग रही। कहे कैसा लग रहा है? कहे ऋषि ने गौरी देखी ता कैसी है। कहे मूर्ति मंद तपस्या जैसी। कितनी अद्भुत उपमा दी है। बाबा कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात तपस्या ने रूप धारण करके बैठ गई। तपस्या का रूप ऐसा होता है, ऐसी तपस्या होती है। और जैसे ही देखा पास में आए, आकर के मैया पार्वती के सामने हाथ जोड़ करके सप्तऋषियों ने कहा ए देवी, हम तुमसे दो प्रश्न पूछ रहे हैं, उन प्रश्नों का बिल्कुल सत्य सत्य उत्तर दीजिएगा। मैया पार्वती ने कहा पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सप्तऋषियों ने पूछा कि कहीं अवराधौ का तुम चाहो, कहीं अवराधौ का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहो, हम सन सत्य मरम किन कहो। किसकी प्रार्थना कर रही हो, किसकी तपस्या कर रही हो, क्या चाहती हो, हमसे बिल्कुल सत्य सत्य बताना, झूठ मत बोलना। और जैसे ये पूछा तो पार्वती मैया ने हाथ जोड़कर ऋषियों से कहा कि महाराज, अगर मैंने अपने मन की अभिलाषा को आपको बताया तो हंसी सुनी हमारी जड़ता। मेरी मूर्खता को सुनकर के आप हंसेंगे? ऋषियों ने कहा ऐसा क्या चाहती हो कि हम हंसेंगे? तो ऋषि मैया पार्वती ने कहा मैं पता है क्या चाहती हूँ। कहे क्या चाहती हो? कहे बिनु पंखन हम अच्छा ही उड़ाना। मैं तो बिना पंखों के उड़ान भरना चाहती हूँ, बिना पंखों के उड़ना चाहती हूँ। तो ऋषियों ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी का भी सहारा लेकर के तो तुम उड़ सकती। कहे हाँ चलो ठीक है, ये कर लिया, लेकिन एक काम और कर रही हूँ। क्या? कहे चाहूँ बारी पर अभी तक उठावा। मैं तो पानी में दीवार खड़ी करना चाहती हूँ। मेरी इरादे, मेरी मंशा ऐसी है कि मैं पानी पर दीवार खड़ी करना चाहती हूँ। अरे ऐसा क्या चाहती हो, बातें क्यों घुमा रही हो, साफ साफ बताओ ना कि तुम्हें चाहिए क्या। और जैसे ही पूछा तो मैया पार्वती कहती हैं कि देखो मुनि अभिवेक हमारा। क्या चाहती हो? कह चाही सदा शिव ही भरता, मैं भगवान शंकर को अपना पति बनाना चाहती। और जैसे ही ये सुना हंस पड़े सप्तऋषि। और हंसते हुए पूछा ये बताओ तुम्हें ये ज्ञान किसने दिया है, तुम्हारा गुरु कौन है? और जैसे ही पूछा तो मैया पार्वती ने कहा मेरे गुरु तो नारद जी हैं, नारद जी। जैसे ही नारद जी का नाम लिया
सप्तऋषि के ठाके छूट पड़े, इतना जोर से हंसे कि हंसी नहीं रुक रही है। और जैसे ही हंसे तो क्या कहते हैं सप्तऋषियों ने कहा, सुनत बचन भी है से ऋषय अगिरी संभव तव दे। ये निश्चित हो गया कि तू पत्थर की बेटी है। क्यों? का इसी ने तो तेरी बुद्धि में पतरा पड़े। क्यों? क्योंकि इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि नारद के उपदेश सुनी कहहु बसाये किसके। नारद के उपदेश सुनकर के किसका घर बसाया आज तक जो तुम्हारा बस जाएगा? तुम चाहती हो तुम्हारा घर बस जाए? अरे नारद ने जिसका जिसको भी ज्ञान दिया, दक्ष के बेटों को ज्ञान दिया, दक्ष ने कहा था कि जाकर के परिवार बसाओ, घर बसाओ, रास्ते में महाराज मिल गए और ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि सीधे भगवान में लग ली, घर छोड़ के सब भाग खड़े हुए। फिर से 10,000 बेचे, फिर नारद जी भी लगे, उपदेश दिया तो भगवान में लग गए, घर नहीं बसा पाए। इतना ही नहीं, चित्र के तू कर पुनि असहाला, चित्र के तू कर घर असहाला, चित्र के तू कर घर उन घाला, चित्र के तू कर घर उन घाला, कनक कसिप कर पुनि असहाला, कनक कसिप कर पुनि असहाला। भागवत की कथा का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चित्रकेतु का हाल ये, 1 करोड़ रानियां, और 1 करोड़ रानियां होने के बावजूद बड़ी मुश्किल से एक बेटा हुआ, लेकिन नारद जी का उपदेश सुना तो सब घर बार छोड़ के बाहर। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद एक बार भगवान का नाम लिया और ऐसा विरक्त किया, ऐसा विरक्त किया कि उसको भी संसार से मोह छूट गया। इसलिए कह रहे हैं कि नारद सिख जे सुनहिं नर नारी, जो सुनेगा तो क्या होगा, कह अवसी हो ये तजी भवन भिखारी। हाथ में कटोरा लेकर के उसको भीख मांगनी पड़ेगी। और तुम नारद के वचन सुनकर के अपना घर बसाना चाहती हो, और वो भी पति तो बताया, देखो तो कैसा पति बताया, दूल्हा बताते भी रची को शर्म नहीं आई नारद को। पता है तुम क्या जानो उसके बारे में? अरे पंचों के कहने पर एक बार सती नाम की कन्या के साथ विवाह हुआ। विवाह होने के बाद ऐसा घरपोर किया, ऐसा आतंक मचाया कि उसको भी जाकर के अपने मायके में जल के मरना पड़ा। और मरी सो मरी, किसी की पत्नी मर जाए तो व्यक्ति रोता है, लेकिन वो ऐसा उदरदानी है कि मरने का दुख कह कैसे सो रहा है पता है? कह कैसे? कह अब सुख सोवत सोच नहीं। बढ़िया, एकदम टांग पसार के सो रहा है, कोई सोच नहीं है। और क्या कर रहा है? कह भीख मांग भव खाए। बढ़िया, भीख मांग के लाता है, अपना पेट भरता है, मस्त रहता है। सहज एकाकिन के ग्रह खटा। जो व्यक्ति जीवन पर्यंत अकेला, बाड़ा जिसे कहते हैं हमारे यहाँ पर, अपने भाषा में बोलते हैं बाड़ा, जो हमेशा अकेला रहता उसके घर में क्या कभी पत्नी खटाएगी? और तुम ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करना चाहती हो, मत करो। या पार्वती ने कहा उससे ना करें तो किससे करें? कहे हम तुम कहां बरनीक विचार। मैं बताता हूं ना, मेरे पास ऐसे ऐसे दूल्हों की लिस्ट है, ऐसे ऐसे योग्य वर है, अरे इतना अच्छा, इतना अच्छा, दिखने भी बड़ा सुंदर है, सयाना है, पूरा संसार उसकी पूजा करता है। और पता है रहता कहाँ है? कहे कहाँ? कहे श्रीपतिपुर बैकुंठ निवास। कुंठ का निवासी है, इसका रूप देख करके तुम्हारे योग्य एकदम पति, एकदम तुम्हारे योग्य पति। और ऐसा दूल्हा हमने बताया, उसके साथ विवाह करो। और जैसे ही ये सुना, मैया पार्वती हंस पड़ी, और हंस करके बस इतना ही कहा कि महाराज क्षमा करिएगा कि मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना कर रही हूँ, पर एक बात, अगर आप नारद के पहले मिले होते तो मैं आपकी बात को अवश्य शिरोधार्य करती, पर मैंने अब मन वाणी और कर्म से भोलेनाथ को अपना पति माना है, अब किसी के भी सिखाए नहीं, अब किसी के चलाए नहीं चलूंगी। अरे मानो मेरी बात, कहे तुम्हारी क्या, मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। सप्तऋषियों ने कहा अगर भगवान शंकर स्वयं आकर के कहें तो?
तब मान जाओगी। भगवान शंकर खुद आकर के बता दें, कहते तब मान जाओगी। मैया पार्वती कहती हैं, तुम एक बार की बात करते हो, 100 बार आकर के भगवान शंकर स्वयं मुझसे कहें कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ तो भी मैं मानने वाली। आप कहाँ 7 बार महेश, पर मैं क्या नहीं करूंगी, नारद बचन न मैं परिहर हूँ, नारद बचन न मैं परिहर हूँ, बसय भवन उजर नहीं करूं, बसय भवन उजर नहीं करूं, मेरा घर बसे उजरे फर्क नहीं पड़ता है, पर नारद के वचन को नहीं छोड़ूंगी। और कितनी अद्भुत बात कही मैया पार्वती ने, कहे क्या, कहे गुरु के वचन प्रतीत न जेही, गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने सुगम न सुख सिद्धि ते, सपने सुगम न सुख सिद्धि ते, उसको सपने में भी कभी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती जिसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है। गुरु के वचनों पर विश्वास मत करिए, आपको स्वप्न में भी कभी सुख नहीं होगा। यह मैया पार्वती स्वयं अपने मुख से कह रही है। लेकिन याद रखना, गुरु भी गुरु होना चाहिए। गुरु में दो शब्द है, दो अक्षर है, और उसका अर्थ होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। हम 3 मंत्र गाते हैं, क्या कहते हैं, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। गुरु वो होता है जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, और जो मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले जाए, उसे गुरु कहते हैं, वो गुरु होता है। लेकिन आजकल आदमी चलते फिरते गुरु बनाए, रास्ते रास्ते जाएगा, जाते जाते कहेगा और गुरु गुटका खवाओ, गुटका खवाने वाला गुरु बन गया। कितनी सरल भाषा में समझाया, कहा गुरु कैसा, पहचान क्या होती गुरु की, याद रखना। साधक कहते हैं कि गुरु को ऐसो चाहिए जो शिष्य से कछु ना ले, शिष्य को ऐसो चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य से कुछ भी ना मांगे, कुछ भी नहीं चाहिए, और शिष्य ऐसा होना चाहिए जो गुरु को सब कुछ इतना दे दे कि अगर शिष्य से गुरु ने एक बार कहा कि अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे, तो फिर शिष्य बिना विचार के एकलव्य को अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट के देना पड़ेगा। अगर गुरु ने एक बार कहा कि अपने कवच कुंडल उतार करके दे, तो भले ही शिष्य को पता है अगर मैं कवच कुंडल उतार दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी गुरु के एक बार कहने पर कर्ण जैसा शिष्य अपने कवच कुंडल उतार करके सामने रख दे। अगर गुरु ने एक बार कहा कि अपना मस्तक मेरे सामने उतार करके नीचे रख दे, तो फिर शिष्य को बिना विचारे बर्बरीक की भांति अपना शीश उतार करके अपने गुरु के सामने रख देना। शिष्य ऐसा, गुरु ऐसा होना चाहिए। ये गुरु और शिष्य का संबंध एकदम अद्भुत होता है, मानो ब्रह्म और जीव का संबंध हो, उस प्रकार से गुरु और शिष्य का संबंध होता है। लेकिन आजकल की तो चेले गुरु बने घूम रहे हैं, किसी से कहो गुरु बना लो, कहा कहेंगे हम ही सबके गुरु, हमारा कौन गुरु बनेगा, हम ही गुरु। एक व्यक्ति था, एक गया जाकर के एक महात्मा के पास जाकर बोला, महाराज गुरु जी बनाओ, गुरु जी चेला बना लो। गुरु जी ने कहा बन जाओ, बन तो गए, अब कुछ सुनाओ, कुछ सुनाओ। तो गुरु जी ने कहा बेटा राम राम कहो, राम राम कहो। अरे ये तो आता, कुछ और, कुछ ऊंचा सुनाओ, कुछ ऊंचा। तो गुरु जी ने कहा बेटा राम कथा पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो। कहा ये भी आता है, कुछ ऊंचा सुनाओ। गुरु जी ने कहा तो बेटा फिर भागवत महापुराण पढ़ो, भागवत का पाठ करो, भागवत पढ़ो। अरे महाराज ये भी आता है, कुछ ऊंचा। गुरु जी ने कहा चेला नहीं, पक्का गुरु मिला है। जब बेटा सब कुछ आता है तो फिर कहे कि मारे हमको गुरु बनाया तुमने। कहा महाराज कुछ ऊंचा सुना, कुछ ऊंचा। गुरु जी ने कहा तो बेटा गीता पढ़ो, गीता, हाँ गीता, गीता 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 सुना, गीता सुना। गुरु जी ने कहा हे भगवान कुछ तो नहीं आता है, लाज रख ली, इज्जत रख ली, कुछ तो गीता गीता, हाँ गीता सुना। जैसे ही गुरु जी ने गीता सुनाना प्रारंभ किया, 18 अध्याय,
सुनाना प्रारंभ किया तो गुरु जी की आदत थी कि जैसे ही अध्याय समाप्त होता था तो अध्याय के समाप्त होती एक दुहा बोलते थे, सर्वो उपजदो गायो दुग्धा गोपाल नंदना। ऐसे भगवान जिन्होंने गाय का दोहन कर किया है, ऐसे भगवान का गाय अर्थात हिंदी अर्थात शास्त्रों का जो दोहन करते हैं, ऐसे भगवान को हम सारे उपनिषदों ने जिनका व्याख्यान किया है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, हर अध्याय की समाप्ति में बोलते थे। अब गुरु जी ने पूरे 18 अध्याय सुनाए, चेला ने बड़े मन से सुने। सुनने के बाद गीता समाप्त हुई तो गुरु जी ने कहा बोलो गोविंद भगवान की। जैसे ही जयकारा बुलाया गुरुजी ने पूछा कुछ समझ आया। चेला ने कहा हमसे पूछ रहा, हमें। गुरुजी ने कहा हाँ बेटा तुम ही सुन रहे, तुम ही से पूछ रहे। कहा हमें सब समझ आ गया, सब आ गया। कहा हाँ कुछ ना आया हो तो पूछ ले, कुछ समझ में ना। अरे महाराज हमें कुछ ना समझ में आया, हो सकता है सब समझ आ गया। गुरुजी ने कहा बेटा मेरी इज्जत रख ले, कुछ तो पूछ ले। चेला कहता है वैसे तो सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन तुम इतनी जबरदस्ती करते हो तो एक चीज पूछ ले। एक चीज समझ में नहीं आई बस। गुरुजी ने कहा पूछ। पूरी गीता समझ ली महाराज, बस एक चीज समझ में नहीं आई। कहे क्या? कहे जो आप बीच बीच में बोलते हो ना, सर्वो उपनिषदो गायो दो गधा गोपाल नंदना, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये पूरी गीता में दो गधा कौन है? गुरुजी बोलते ना दो गधा गोपाल, अब वो दो गधा का मतलब ये है, लेकिन उसने दुई गधा लगाया। तो वो क्या कहता है? सब समझ में आ गया महाराज, बस ये बताओ कि दो गधा कौन है। तो गुरुजी ने माथे में हाथ ठोका का हे भगवान। गुरुजी ने कहा बेटा ये दो गधा कोई और नहीं है, कहे कौन का? पहले हम और दूसरे तुम। पहले हम जो हमने तुम्हारे जैसा चेला बनाया और दूसरे तुम, तो गधा है ये। आजकल के तो चेला भी बड़े गुरु बने बोलते हैं, लेकिन मैया पार्वती कहती हैं कि जिसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। कितना मंत्र जाप कर ले, कितना ध्यान कर ले, कितना जप तप कर ले। और जैसे ही ये कहा, देखा सब ऋषियों ने बहुत प्रकार समझाया, पर मैया पार्वती जब नहीं मानी, तो जब नहीं मानी तो एक कह बात कही, हाथ जोड़ लिए। और हाथ जोड़ करके सब ऋषि कहते हैं कि तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु नाय चरण सिर मुनि चले पुनी पुनी पुलकित गात। हाथ जोड़ करके वंदना स्तुति करने लगे, आप संसार की जगत की माया हो, भगवान शंकर जगत के गुरु हैं, जगत पिता हैं, और आपको कोई कभी अलग नहीं कर सकता है। इतना कह करके सप्तऋषि वापस गए, भगवान शंकर को दिया और कहा महाराज आपकी होने वाली पत्नी प्रेम परीक्षा में एकदम पास। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, सप्तऋषि इधर हेमवान के पास गए, पत्रिका बांची गई, और जैसे ही जाकर के यहाँ पर विधवा संस्कार हुआ, उधर भगवान शंकर ने जब ये सुना तो समाधि लगाकर बैठ गए। समाधि लगाई उसी समय पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तारक असुर भयहुते ही काला, तारक असुर भयहुते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। उसी समय पर तारक संग्राम का दैत्य हुआ, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, वरदान मांगा कि भगवान शिव के शुक्र से जो संतान उत्पन्न होगी वही मेरा वध कर पाएगी, और ये वरदान आप किसी को बताएंगे नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे ये वरदान प्राप्त है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, दे करके गए, और जैसे ही ये इतना आतंक फैलाया स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया, तब देवताओं ने कहा भगवान शंकर की समाधि को जगाना आवश्यक है, क्योंकि अगर ये नहीं जगे तो इनकी संतान कैसे आएगी, और संतान नहीं आई तो फिर इसका वध कैसे होगा, क्या किया जाए। तब सारे देवताओं ने प्रार्थना करके कामदेव की स्तुति की, कामदेव को बुलाया, कामदेव सामने प्रकट हुए, काम की भी पूजा हो रही है, काम की भी पूजा हो रही है। भाव क्या है? अगर आपसे किसी का भी थोड़ा सा भी स्वार्थ अगर निभेगा तो व्यक्ति आपके सामने तुरंत हाथ, भाव समझिएगा। यद्यपि काम को हम सब लोग बुरा मानते है ना, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब बुरा मानते हैं, लेकिन देवता भी काम की पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वार्थ है,
स्वार्थ है कि भगवान शंकर की समाधि टिके और जैसे ही समाधि टिकेगी तैसे ही हमारा काम बन जाएगा। याद रखिएगा ये संसार भी एकदम स्वार्थ का बना हुआ है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लागी करें सब रीति। अगर थोड़ा सा भी किसी का स्वार्थ है आपसे तो दद्दा बहुत अच्छे हैं, बब्बा बहुत अच्छे हैं। शाम को रोज समोसा लाते हैं तो नातियों के लिए बाबा बड़ा अच्छा है। महीना भर की पेंशन बाबा हमको जेब में पकड़ाते हैं तो बप्पा बहुत अच्छा है। अगर पति रोज शाम हर महीने में साड़ी लेके आता है तो कल्लू के पापा बहुत अच्छे हैं। पर अगर ये सब बंद कर दिया तो फिर यही कहेंगे कि ये बुढ़ा मरता भी नहीं। नींबू देखा है, नींबू नींबू जानते हैं, नींबू में जब तक रस होता है ना हम तब तक उसे निचोड़ते हैं, जब तक होता है। थोड़ा सा भी होता ना एक दो बूंद पानी में डुबो डुबो के फिर निचोड़ते, एक को ना बचे। और जैसे ही रस समाप्त हो जाता है तैसे ही किनारे। यही संसार को संकेत है प्यारे, जब तक आपके पास रस है तन का बल का धन का कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार से आप किसी व्यक्ति के काम आ सकते हो तब तक तो हाथ जुड़ेंगे, तब तक तो रोज सवेरे सवेरे चाय मिलेगी। और अगर किसी काम के नहीं रहे तो पर यही कहेंगे कि ये बुढ़ा मरता भी। बड़ा सुंदर गीत चला था पहले के जमाने में, गाते हैं और कहते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी कसमें खाएं हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, मर के देखो तुमसे 20 साल एक्स्ट्रा ना जी जाए तो कहना कोई अपना नहीं। बड़ा सुंदर गीत हम सब दोहरा, पुराने जमाने के गीतों में जान हुआ करते। अब क्या कहते हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे कि आपके सामने आपका मसीहा भी खड़ा होगा ना तो भी आपको नहीं बचाऊंगा। इतनी बढ़िया बात कही साधक ने, होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी ना बच पाएगा, होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी ना बच पाएगा, तुझको आग लगाएगा तेरा अपना खून भी आग तुझको आग लगाएगा, आसमान में आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या।
समाज को कभी दर्पण में ला कर देखिएगा, एक कैसा समाज है। साधक कहता है, सुख में साथ खड़े जो तेरे, दुख में वे मुख मोड़ेंगे। सुख में साथ खड़े जो तेरे, दुख में वे मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तुझसे नाता तोड़ेंगे। दुनिया के पहले तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा और शादी के बाद एक लिपस्टिक मंगा के दिखा दूं। सब बातें हैं बातों का, जिसे अपना समझते ना, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा खानदान, मेरा परिवार, कोई किसी का नहीं, ये झूठे ना समय ऐसा आएगा। हमको लगता है, बताओ दुनिया में कोई है जो तुम्हारा नाम कहीं से कटवा ले? कोई है? तुम्हारी वसीबत 40 बीघा लिखी है, किसी की हिम्मत है, किसी की सामर्थ है कि आपका नाम बस ऐसे कटवा दे? कहीं है ना। लेकिन जैसे ही मरोगे तो खुद का बेटा जो तुम्हारे खून से पैदा हुआ है जाएगा ऑफिस में जाकर के क्या कहेगा, पिताजी का नाम काट, मेरा नाम कटवाएगा कि नहीं? तुम्हारा ही बेटा तुमको आग लगाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग। सब स्वार्थ के मीते प्यारे, कोई अपना तो कहा, फिर जब कोई अपना नहीं है तो फिर क्या करें? जी नहीं छोड़ दो, फिर समाज क्यों बनाया, संसार क्यों बनाया, क्यों ना खा अपने इस दुनिया में हमें? जीना मत छोड़ो, पर जिस प्रकार से हम जी रहे हैं उस प्रकार से छोड़ो। हम कैसे जी रहे हैं जीवन में? एक बड़ी सुंदर बात एक संत ने कही थी कि हमारे दुख का एकमात्र कारण सिर्फ एक है। लोग कहते हैं ना कि हमको ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, 50 समस्याएं किसी की नहीं होती, सिर्फ एक समस्या। क्या? और वो एक समस्या है उम्मीद, आशा। हमने आशा दूसरों से लगा रखी, मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरी अंडे की बैठी का बुढ़ापा का सहारा बनेगा, मेरी बहू आएगी तो मेरी सेवा कर, आशा ही तो है ना। जब इस आशा पर आप जिन व्यक्तियों से आशा लगा कर रखे हैं वो खरे नहीं उतरते तो फिर दुख होता कि मैंने इसके लिए सब कुछ किया और इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो सबसे बड़ा एकमात्र दुख का कारण है उम्मीद, आशा। और एक काम करोगे तो दुख समाप्त हो जाएगा। क्या? आशा करो, ये नहीं कहती आशा मत करो। उम्मीद के बिना आप एक सेकंड नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। एक ने बड़ी सुंदर बात कही थी, खाने के बिना एक हफ्ते रह सकते हो, 4 दिन रह सकते हो, 4 दिन तो मानी मान, खाने के बिना 4 दिन रह सकते हो, पानी के बिना 4 घंटे रह सकते हो, हवा के बिना 4 मिनट रह सकते हो, पर उम्मीद के बिना 4 सेकंड भी नहीं रह सकते। जिस समय पर उम्मीद खत्म, आदमी खत्म। आशा मत खत्म करो, पर आशा की दिशा को बदल दो। हम आशा संसार से लगाए ना,
संसार की जगह आशा किससे लगाओ? साधक कहता है आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, विधि का विधान जान हानिला कर दो भगवान से जुड़ो। इसलिए तो बाबा कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी बांधे कहां मम पद मन ही बांध बरडो, दुनिया से मत जोड़ो मुझसे जोड़ लो, और जिस समय पर मुझसे जोड़ लोगे तो प्रसन्न आत्मा, हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर प्रसन्न आत्मा है तो हम दुखी आत्मा कैसे हो सकते, हमें भी प्रसन्न होना है तो अपने धागे को भगवान से जोड़ो। ये संसार तो स्वार्थ का ही बना है, और यही बात तो कहता है कामदेव आया खड़ा हुआ देवन कीनी सुरों ने स्तुति की, स्तुति कर कर के बुलाया, और जैसे या करके कामदेव खड़ा हुआ तो क्या कहता है कि मुझे पता है कि भगवान शंकर की तपस्या डिगाऊंगा तो उसमें मेरा मरण निश्चित है, और मुझे ये भी पता है कि तुमने अपने स्वार्थ से मुझे याद किया है, लेकिन फिर भी तदपि करब मैं काज तुम्हार, क्यों श्रुति कहे परम धर्म उपकार, उपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, और इसीलिए मैं तुम सब पर उपकार करूंगा भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं। इतना कहकर के कामदेव गया, और जैसे ही गया तो पूरे संसार में अपनी माया विस्तारी, अपना प्रभाव विस्तारा, और जैसे ही विस्तारा तो जितने देव जितने संत जितने महात्मा जड़ चेतन सबके अंदर काम कला व्याप्त हो गई, मुनियों तक ने अप्सराओं को देखना प्रारंभ कर दिया, ताल तलाव आपस में मिलाप कर रहे हैं, राक्षसों की गति कौन ही कहे, बाबा कहते हैं सदा काम के चेहरे जा, सदैव काम के चेहरे बने रहते हैं, इनकी दशा कौन कहेगा, सारा देश सारा यज्ञ सारा जगत कैसा हो गया है, कहे भाई काम बस जोगी सदा पस पावरन की, ओ कहे देखहिं चरा चर नारी मैं जे ब्रह्म मैं देखत रहे अब ला बिलो कई पुरुष मय पुरुष सब अब रामयम दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम हाँ काम कृत कौतुकयम, अब कैसा प्रभाव कह धरी न काहू धीर सबके मन मन से जहरे कोई बचा जे राखे रघुवीर ते उबरे यही काम, वो तो बच गए बाकी सब काम के वसीभूत हो गए, और जैसे ही हुए कामदेव गया कैलाश पर्वत में जाकर के अनेक प्रकार से भगवान शंकर की समाधि डिगाने का प्रयास किया, पर जब नहीं टिकी तब क्रोध में आ गया, क्रोध में भर करके उठाया अपना सबसे प्रभावशाली अस्त्र धनुष में बाण चढ़ाया, और जैसे ही संधान करके भगवान के हृदय पर तान के बाण को मारा, कामदेव जान गया कि इससे पक्का है कि भगवान की समाधि डग जाएगी, पर डगने के बाद मेरा क्या होगा ये सोच करके आम के पेड़ के पत्ते पर जा करके कामदेव छिप गया, और जैसे ही छिपा भगवान शंकर ने नेत्र खोले आस पास देखा, और जब किसी को नहीं देखा कोई नहीं दिखा तब भगवान शंकर ने ध्यान धरा, और ध्यान धरते ही पता चला कि आम के पत्ते में कामदेव छिपा है जिसने मेरी समाधि को उगाया है।
है। उसी समय पर भयंकर क्रोध आया और ऐसे क्रोध में भर करके भगवान शंकर ने तीसरा नयन खोल दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। वैसे ही भगवान ने देखा के पत्ते का बाल विवाह का नहीं हुआ, परंतु कामदेव जल करके भस्म हो गया। भगवान का क्रोध शांत बैठे और एकदम जटाएं बिखेरे हुए बिल्कुल ताड़का बने हुए बैठे, क्रोध में आंखें लाल। और जैसे ही देखा देवता आए, सब थर थर कांप रहे। एक ने कहा पास में कौन जाए, क्यों कहे जा करके जो प्रणाम करेगा पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, सब लोग डरे हुए हैं। उसी समय पर कामदेव की पत्नी रति रोते हुए आई, बिलखते हुए आई, भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया, पूछा मेरे पति ने क्या बिगाड़ा था, वो तो जगत के कल्याण के लिए आपके पास आया था, आपने उसे मार दिया, ये कहाँ का न्याय है। तब भगवान शंकर ने कहा यद्यपि वो भस्म हो चुका है परंतु इसका स्वयं का देह नहीं है, तो अब ये हर व्यक्ति के देह में निवास करेगा। और यदि साक्षात देह में पाना चाहती हो तो द्वापर युग में जब भगवान स्वयं कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तो उनका पति, उनका पुत्र ही तुम्हारा पति होगा। वरदान दिया पर रति गई, और जैसे ही गई भगवान शंकर बैठे, सारे देवताओं ने कहा अब क्या करें, कुछ बोलो, कोई तो बोले। तब ब्रह्मा जी आगे आए, और जैसे ही ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहा कि नाथ एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या है? सारे देवता आपसे कुछ चाहते हैं। भगवान ने कहा क्या चाहते हैं? और जैसे ही पूछा तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा। उछा किस बात का? निज नयन देखा चाहया नाथ तुम्हारे विवाह। आपका विवाह अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं, सारे देवता देखना चाहते हैं। और जैसे ही ये सुना तो भगवान हंस पड़े, शंकर जी हंस पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैंने मजाक थोड़ी किया जो आप हंस रहे। शंकर जी ने कहा ये मजाक से कम भी नहीं है। क्यों? कहे बेटा चाहता है बाप का ब्याह देखना, बताओ कैसे देखा है। भगवान शंकर जगत के पिता है, ये संसार के हैं देव, स्वर्ग लोक में जो रहते हैं वो देव, भगवान शंकर महादेव। अब देव चाहते हैं महादेव का विवाह देखना, तो बताओ कैसे संभव है। एक बच्चा अपने माँ बाप की शादी का एल्बम लेकर के बैठा, पन्ना पलटाता गया, देखता गया, पलटा तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। और जैसे ही तीनों बार पलटाया देखा तो एक तरफ एल्बम फेंका, रोने लगा, बड़बड़ा के रोया, एकदम जोर से रोया। माँ आई, बेटा बाप आया, पिता ने पूछा क्या बात है, काहे रो रहा है? काहे पप्पा तुम हमसे बात ना करो, हमसे न बोलो। अम्मा ने कहा रे काहे ना बोले, काहे रो रहा, बता तो सही। काहे अम्मा तुम आऊ ना बोलो, कोई हमसे बात नहीं करेगा। माता ने पूछा बात क्या है, बता तो सही, रो क्यों रहा है और एल्बम क्यों फेंका तूने? कहा अम्मा ये बताओ तुम्हारी शादी के एल्बम में बुआ है, चाचा है, मौसी है, फूफा है, सब कौनों है, हम कह नहीं है, हम कह नहीं है, हमें कह नहीं है अपनी शादी में बुलाया। तो अम्मा क्या कहेगी? अम्मा कहेगी बेटा जब हमारा ब्याह भारा है तब तुम रहे हो ना, तुम तो शादी के बाद ही आए हो ना, अब तुम कैसे हमारा ब्याह देख सकते हो? अब बेटा जिद करे कि नहीं अम्मा हमको तो देखना है, बताओ संभव है? नहीं देख सकता ना। लेकिन एक उपाय है, कैसे, जो आजकल के जमाने में होता है। आजकल के जमाने में बढ़िया कैसेट, वीडियो कैसेट बनवा कर रख लेते हैं। अब्बा बेटा भी चाहे तो खूब बाप का ब्याह देखे, खूब देखे। तो भगवान शंकर ने कहा महाराज पुत्र चाहता है पिता का विवाह देखना, कैसे संभव है? तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज पहला विवाह संभव नहीं है, परंतु जब पिता दोबारा विवाह कर ले तो फिर बेटा भी देख सकता है। तो आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हिमवान के यहाँ पर आपकी मैया, आपकी अर्धांगिनी सती ने पार्वती रूप में जन्म लिया है, जा करके आप विवाह करिए, वो बात याद करिए भगवान श्री राम की, और हम सभी देवताओं को अपने विवाह के उत्सव का लाभ उठाने दीजिए। और जैसे ही ये कहा भगवान शंकर ने कहा ठीक है हमें स्वीकार है। और जैसे ही भगवान शंकर की स्वीकृति मिली देवता बड़े प्रसन्न, सब भागे। भगवान से कहा महाराज हम जाए तैयारियां कर लें आपके विवाह की, यहाँ सारी व्यवस्था ब्रह्मा जी ने कर दी। सारे देवता गए और क्या कर रहे हैं? कह लगे सवारन सकल सुर
वाहन विविध विमान हो ये सगुन मंगल सुखद अपने अपने भवन सजाने प्रारंभ कर दिए, खुद सजना शुरू हो गए। जितने देवों की देवियां थी वो सारी ब्यूटी पार्लर जाने लगी, बढ़िया तैयार होकर के टिप टाप बन के आई। क्यों? कहे आज भोलेनाथ जी का शुभ विवाह है, हाजी वाह वाह है, हाजी वाह वाह है, हाजी वाह वाह है। देखो शब्द भी कितना अच्छा है। पहले के जमाने में विवाह होता था, लोग डालते थे, बढ़िया लगते थे, शुभ विवाह। और आजकल क्या होता है, लोगों से पूछा क्या है घर में, तो विवाह नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे आजकल तो, आजकल विवाह नहीं, आजकल तो ब्याह होता है, ब्याह, हमारी बिटिया का ब्याह है। पता विवाह और ब्याह में अंतर क्या है? विवाह अलग चीज है, ब्याह अलग चीज है। तो कहने में अपन कही देते हैं, लेकिन विवाह का मतलब होता है, यदि शाब्दिक अर्थ निकाले तो विवाह का मतलब होता है विवाह, मतलब का जिसमें दोनों पक्षों में हो, वाह वाह विवाह। जनाती कहे वाह क्या बराती है, बराती कहे वाह क्या जनाती है, उसको कहते हैं विवाह। तो किसी ने कहा फिर ब्याह किसे कहते हैं, कहा ब्याह का मतलब होता है जिसमें बिटिया वाले के निकल जाए आ दहेज देते देते बिटिया वाला बेचारा कराह पड़े, उसको कहते हैं ब्याह। पहले के जमाने में विवाह होता था, और जब विवाह होता था तो छह महीना पहले से माताएं बहनें क्या करती थी, अपनी बेटियों को पूजा करने के लिए भेजती थी। जानती हूँ मुझे जितनी बूढ़ी अम्मा होंगी, जब भी ब्याह होता था तो पूजा करने के लिए 6 महीना पहले से भेजती थी कि बिटिया गाँव में जितने देवी देवताओं सब पूजा, कहे क्यों, कहे पता नहीं किसका आशीर्वाद लग जाए और तुझे घर भर अच्छा मिल जाए। विवाह के पहले पूजा करने के लिए, तभी तो मैया सीता को उनकी माँ सुनैना ने कहाँ भेजा, कहे गिरिजा पूजन जननी पठाए, पूजा करने के लिए भेजती थी। लेकिन आजकल, आजकल मंदिर नहीं भेजती है, मंदिर नहीं भेजती आजकल, कहाँ भेजती, का 6 महीना पहले से, बिटिया कहूँ जा चाहे ना जा लेकिन एक जगह जरूर जाना, कहे कहाँ, कहे 6 महीना पहले से, कहाँ जाए, कहे ब्यूटी पार्लर। नाम भी कितना बढ़िया, हिंदी में रूपांतरण करने तो कहते काया पलट केंद्र, एकदम गई थी लंगूर बन के आई और ब्यूटी पार्लर जाओ, जाओ 6 महीना पहले से बढ़िया टिप टप बनना शुरू कर। अरे पहले का तो समाज ही क्या, 3 दिन बरात होती थी, हम अपने दादा बाबा पिताजी लोगों से सुनते हैं 3 दिन तक बरात ठहरती थी। पहले दिन होती थी कच्ची, फिर दूसरे दिन से होती थी पक्की। पहले दिन ही बराती अपना खुद का सामान लेकर के जाते थे, आलू भाटा टमाटर जो चीज हो। बराती व्यवस्था भी, जनाती व्यवस्था भी करता था तो सिर्फ पानी की, तुमको पानी पिला देगा, आग पानी की, आग की व्यवस्था कर देगा, अब बाकी खुदाए बनाओ खुदाए खाओ। जिनने पहले के बराते गए होंगे तो जानते होंगे, लेकिन आजकल फिर उसके बाद फिर पक्की होती थी अगले दिन, तब फिर जनाती खुद बनवा करके बेचते थे, तब फिर बराती का। आजकल तो फिर कहने ही क्या है, पहले के जमाने में विवाह होता था तो सहयोग की भावना होती थी। पहले तो ये टेंट हाउस वगैरह चलते नहीं थे, अब एक घर में तो 100 खटिया हो ऐसा तो हो नहीं सकता, 100 रजाई हो नहीं सकता, तो जिनके ब्याह सर्दी में होते थे तो वो क्या करते थे, पूरा गाँव सहयोग करता। भाव मन में ये नहीं था कि फलाने की बिटिया की शादी है, भाव मन में ये था कि हमारे गांव की बिटिया की शादी है। और जब गांव की बिटिया की शादी होती थी तो एक पानी भरता था, एक जूता चप्पल लगाता था, एक पत्तल परसता था, एक खाना देता था, और खुशी खुशी मन से सब काम करते थे, बड़े विधिवत तरीके से विवाह संपन्न होता था। क्यों? लोगों के मन में ये भावना थी कि अगर कुछ भी कमी रह गई तो बदनामी इसकी नहीं होगी, बदनामी गाँव की होगी कि फलाने गाँव में बारात गई थी और ब्याह का सत्कार भी ढंग से नहीं।
ये भावना थी। और आजकल दो भाई हैं और अगर बड़े भाई के बेटे की शादी है तो छोटे भाई भी इंतजार करता है कि कार्ड आएगा तब तो बारात में जाऊंगा, नहीं तो वो भी नहीं। ये समाज का आईना है। कैसे हुआ, हम समाज पहला कैसे ला पाएंगे? भगवान शंकर का विवाह आश्चर्य देखिएगा, पूरी मानस में दो विवाह हुए, भगवान राम का और भगवान शंकर का, और दोनों में अंतर कितना का? एक का विवाह ऐसा जिसमें सब कुछ सगुन ही सगुन है, सब कुछ सगुन है, जहां देखो वही सगुन हो रहे हैं, जहां देखो वही मंगल खबर है, और एक का ब्याह वो ऐसा कि सब कुछ अमंगल ही अमंगल, सब अपसगुन ही अपसगुन। अरे इतना छोड़ो, हम विवाह करते हैं जिस दिन मंडप गाड़ा था उस दिन मटकी रखते हैं, मटकी है ना, दुनिया भर के गांव के आस पड़ोस के जितने भूत प्रेत होता सब वही मटकी में बंद कर देते, ऊपर से आटा लगा देते हैं कि कहूं से अगर आंधी पानी आता हो तुम खुल के बाहर ना आओ, आराम से बढ़िया शुभ कार्य निपट जाने तो फिर उसके बाद खुला घूमना, हम उनको बंद कर देते हैं। लेकिन अरे मेरे भोलेनाथ, भोलेनाथ ने कहा कि दुनिया के ब्याह के पकवान सब खाते हैं, तुमको बंद करके रख दिया जाता है, लेकिन मेरे ब्याह के पकवान तो तुम भी खाओ। अब भगवान तो भूत प्रेतों को ही अपना बराती बना करके, क्यों भाव कितना अच्छा है, भगवान शिव ऐसे हैं जो संसार में सबके लिए त्याज्य होगा उसे मैं अपना। वेदों की भाषा में शास्त्रों में बेर को कुपथ्य कहा गया, बेर जो होता है वो कुपथ्य होता है, मानस पीयूष पढ़िएगा उसमें लिखा है, यही बात भरत जी भी कहते हैं, बेर कुपथ्य है। पर शिवरात्रि में भगवान शंकर को क्या चढ़ता है? धतूरा किसी भगवान को चढ़ता है क्या? भंग धतूरा कोई भगवान खाता है क्या? वो सारे भगवान बढ़िया बढ़िया मिठाई खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, माखन खाएंगे, सब खाएंगे, धतूरा कोई नहीं खाता, लेकिन मेरे भोलेनाथ को धतूरा भी स्वीकार है। लोग जितने देवता है सब पुष्प चढ़वाते हैं, लेकिन मेरा भोलेनाथ तो पत्ती से भी प्रसन्न, बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाता है, उसको तो कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए, कुछ भी दो वो सब कुछ सहर्ष स्वीकार कर लेता है। ऐसे अपसगुन साथ में लेके घूम रहे, ऐसे भोलेनाथ का विवाह। और जैसे ही सारे देवताओं ने देखा आहा भगवान शंकर का विवाह, सब गए सजने, और सारे सजने गए दूल्हा इसे बैठा, भगवान शंकर एकदम जटा बिखेरे आंखें लाल, आए गढ़ आकर के देखा बाबा से, कहा बाबा तुम तो ऐसे ही बैठे, बराती तो गए तैयार। भगवान शंकर ने कहा जाने दो, क्यों? कहे बारात में जाएंगे लेकिन बरातियों को तब तक कोई चाय को भी नहीं पूछता जब तक दूल्हा ना दिख जाए, दूल्हा ना दिखे तो बरातियों कोई चाय भी नहीं पूछता, जाता मैं तो यही बैठा हूं देखता हूं इनकी खातिरदारी कौन करता है। और जैसे ही भोलेनाथ बैठे तो संगी ने कहा महाराज आपका विवाह है? हाँ विवाह है, तो तैयार हो श्रृंगार करो। भगवान शंकर ने कहा श्रृंगार क्या करना? अरे मैं तो ऐसे ही बड़ा सुंदर दिखता हूँ, मुझे श्रृंगार का क्या काम? कहे कितने सुंदर दिखते हो? भगवान शंकर कहते हैं मेरी स्तुति नहीं सुनी। कर पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज केंद्र हरम। कपूर के समान गोरा हूं मैं, मुझे श्रृंगार का क्या काम? अरे महाराज विवाह में जाता है तो दूल्हा भी सजता, कहाँ सजता है? कहे महाराज दूल्हा भी जाता है मेंस पार्लर, तुम भी जाओ। भगवान ने कहा वो धरती लोक में, यहाँ कहाँ है, कैसे जाऊंगा? संगी ने कहा महाराज आप नहीं जा सकते तो एक काम क्या, कहे पार्लर वाले को यही बुला लेते हैं। भगवान शंकर ने कहा मेरे पास कोई कैसे आ सकता है? मेरे पास पार्लर वाला? अरे नहीं। गणों ने कहा तो पहले ऐसा करो, एक का ही उपाय है, क्या कहे? फिर हम ही तुम्हारा श्रृंगार करें, हम ही करें। भूत प्रेतों से भगवान ने कहा क्यों तुम्हें आता है श्रृंगार करना आता है? संगी ने कहा हाँ महाराज थोड़ी बहुत ब्यूटी पार्लर का कोर्स हमने भी किया है, थोड़ी बहुत हम भी सजा लेते हैं। तो जैसे ही सजाने का भगवान ने कहा ठीक जैसा है करो। अब देखिए भूत प्रेत कैसा श्रृंगार करते हैं भगवान राम शंकर का, सिस्टम से जो हो उसे श्रृंगार कहते हैं। बढ़िया, होंठों में लिपस्टिक लगी हो, आंखों में काजल लगा हो, जहां पर जो चीज लगाई जाती है उसे श्रृंगार कहते हैं। लेकिन भोलेनाथ का श्रृंगार नहीं हुआ,
शब्द कितना अच्छा दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, श्रृंगार नहीं है भोलेनाथ का तो श्रृंगार रा। शिव ही शंभुगण करहिं श्रृंगार, श्रृंगार नहीं है श्रृंगार रा है। और भूत प्रेतों ने कैसा श्रृंगारा किया भगवान शंकर का, अरे कहते हैं आखन को कजरा वो होठन लगाए, आखन को कजरा वो होठन लगाए, आखन को कजरा वो होठन लगाए दियो, आखन को कजरा वो काजल उठाया और होठों में दही लपड़ा, भूत प्रेत कर रहा है। अब उन्हें क्या पता लिपस्टिक लगेगी कि काजल, आंखों में बढ़िया लाल लाल लिपस्टिक उठाई है। भगवान शंकर का श्रृंगार कैसे कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कहते हैं शिव ही शंभु गण करहिं श्रृंगार, शिव ही शंभु गण करहिं श्रृंगार, जटा मुकुट आई मोर संवार, जटा मुकुट आई मोर संवार, कुंडल कंगना पहिरे ब्याला, कुंडल कंगना पहिरे ब्याला, विभूति पद जी, कहते हैं पहले